नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का ख्याल एकदम करती हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही थी पिछले लगभग 2 सप्ताह से, वो आज खत्म हो गई है। बहुत सारे चेंजेस हैं। फडणवीस आज सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। शिवसेना सत्ता से बाहर हो चुकी है और भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के सामने आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिंदे गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और वे अकेले आ रहे हैं। रवाना हो नहीं चुके हैं, जब तक आप ये खबर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तब तक वो पहुंच चुके होंगे। उनके पास 39 विधायकों का समर्थन है और मुंबई में मौजूदा हालात को देखते हुए एकनाथ शिंदे की सुरक्षा भी बढ़ा दी है और शिंदे की फडणवीस से मुलाकात होनी है। इसमें डिप्टी सीएम और मंत्री पदों को लेकर के क्या फार्मूला अपनाया जाएगा, वो फार्मूला फाइनल होगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने पूरे इस घटनाक्रम में, ये जो उठापटक हुई है वहाँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सरकार को लेकर के, उसमें बीजेपी बिल्कुल शांत रही। उसका कोई बयान नहीं आया, उसने कुछ नहीं कहा, एकदम चुप छाने रही। और अब फडणवीस पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद यहाँ लौट करके वो शपथ लेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है कि वो शपथ कर लेंगे या कौन सा दिन होगा उनका शपथ के लिए। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि लगभग 9 दिनों में किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। 20 जून को दोस्तों दरअसल एकनाथ शिंदे 25 विधायकों के साथ गुजरात पहुंचते हैं। उसके बाद 21 जून को शिंदे का दावा उनके पास, 35 से अधिक दावे विधायक हैं उनके पास। और 22 जून को वो 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचते हैं। 23 जून को 7 विधायकों ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया और 16 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 24 जून को होता है और 26 जून को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत खारिज होने पर शिंदे सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। 27 जून को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 11 जुलाई रखी और 28 जून को उद्धव ने फडणवीस से 2 बार मुलाकात की। और जाहिर सी बात है, आपको बताई है, 29 जून को उद्धव ठाकरे ने अपना रिजाइन किया लेट इवनिंग में और 30 जून को, यानी कि आज फ्लोर टेस्ट होना था, उससे पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। दोस्तों, आधी रात को लगभग 11 बजे उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा देने खुद ही ड्राइव करके राजभवन के लिए निकले। उनके साथ उनके दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी थे। उद्धव जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल ने उनसे कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक अपने पद पर बने रहे। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे अपने बेटों के साथ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और इसके बाद वो अपने आवास मातोश्री पहुंचते हैं। शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, ये एक बड़ा बयान शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है, ये बाला साहब का मूल मंत्र रहा है और हम वापस काम करेंगे, फिर से अपने दम पे सत्ता में आएंगे। हमें अपनों ने धोखा दिया है, अपने लोगों ने खंजर खोपा है बीच में। उद्धव ठाकरे को दगाबाज कैसे दोष दे सकते हैं, बागी विधायकों को सरकार गिराने का ठेका मिला था। यानी कि इस बयान में कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दगाबाजों का महाराष्ट्र में ये नया प्रयोग है। तो इस तरीके से अब बयानबाजी चलती रहेगी जब तक फडणवीस एज ए सी एम शपथ नहीं लेते हैं। और
ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सारा घटनाक्रम बहुत पहले से ही अंदर खाते चल रहा था। अब सब चीज़ें जो है शांत हो जाएंगी धीरे धीरे करके, जब फडणवीस एज सीएम शपथ लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, मैं इंतज़ार करूंगी आपके नोट का, आपके कमेंट का मेरे कमेंट सेक्शन में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम खुशगवार हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में बरसात हो रही है, यानी कि मानसून ने दस्तक दे दी है। इसलिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।